हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लेन बाय अनामिका। आज मैं जो आपके लिए मूवी लेके आई हूँ उसका नाम है अमेरिकन कामसूत्र। गाइस, ये मूवी काफी ब्यूटीफुल है। आशा करती हूँ आपको भी ये मूवी काफी पसंद आएगी। तो मूवी शुरू करते हैं। एशली और उसका हस्बैंड इंटीमेट हो रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह से एशली के साथ इंटीमेट होता है वो एशली को पसंद नहीं है, इसलिए वो उसे छोड़ देती है और अपनी फ्रेंड चेल्सी के घर आ जाती है। और एशली उसे बताती है कि वो अब यहीं रहेगी। चेल्सी फिर उसे अपने अफेयर के बारे में बताती है। वो एशली को मर्दों के बारे में ज्ञान देने लगती है कि कैसे पता चलेगा कि कोई मर्द उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। एशली को बाथरूम से एक BCDM मिलता है जो चेल्सी की फ्रेंड डैलन का है। एशली एक कॉफी शॉप पर जाती है जहाँ उस शॉप का ओनर डैलन के साथ सेक्स कर रहा है। एशली को देखकर वो शर्मा जाता है और फिर एशली उससे वहाँ जॉब के लिए पूछती है। ओनर का मालिक रैफ उसे जॉब पर रख लेता है। एशली स्विमिंग पूल पर आती है और उसे वही लड़की डैलन वहाँ मिलती है और वो एशली को सेक्स के बारे में बात करके चिढ़ाने लगती है। डैलन उसे उसके साथ लेटने को कहती है। एशली कहती है कि उसने स्विमिंग सूट नहीं पहना है। डैलन कहती है कि तुमने ब्रा और पैंटी तो पहनी है ना, वही तुम्हारा स्विमिंग सूट है। एशली घर जाकर एक नॉवल पढ़ती है जिसका नाम स्लेव है और उसमें एक आदमी अपनी मेट के साथ BCDM यूज करके उसके साथ इंटीमेट होता है। नेक्स्ट डे कॉफी शॉप पर ओनर वही नॉवल देख लेता है और एशली से कहता है तुम ऐसी लड़की तो नहीं लगती जो ऐसे नॉवल पढ़े। एशली कहती है कि वो बस इसे टाइम पास करने के लिए पढ़ती है। एशली कहती है मेरी छोड़ो, अपनी बताओ और अपने और डैलन के चक्कर के बारे में बताओ। वो कहता है कि डैलन तो पागल है और वो किसी के भी साथ सेक्स कर लेती है। एशली ने एक बुक क्लब ज्वाइन किया है जिसमें वो सब स्लेव नॉवल में लिखी कहानी की चर्चा कर रहे हैं और एक औरत कहती है कि जिस तरह से उस नॉवल में आदमी लड़की से अननेचुरल तरीके से उसे दर्द देकर सेक्स करता है वो सही नहीं है। एक रात एशली देखती है कि डैलन किसी लड़की की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपनी कार से कहीं ले जा रही है। वो चेल्सी को फोन करके वो सब बताती है। चेल्सी कहती है डैलन पागल है और कुछ भी करती रहती है। वो एशली को फोन रखने को बोलती है क्योंकि चेल्सी किसी से फोन पर रोमांटिक बातें कर रही थी। एशली रेफ को बुलाकर डैलन के बारे में बताती है। रेफ कहता है मैंने तुमसे कहा था वो पागल है। दोनों ड्रिंक करते हैं और बाद में इंटीमेट होने लगते हैं। शॉप पर रेफ एशली से कहता है कि कल रात उसे काफी मजा आया, लेकिन एशली उसे सही से बिहेव करने को कहती है। डैलन और चेल्सी एशली से कल रात के बारे में पूछते हैं। एशली कहती है कि उसे कुछ खास मजा नहीं आया। चेल्सी का बर्थडे पार्टी में एशली को चेल्सी की बॉस उसे मॉडलिंग का ऑफर देती है और कहती है कि तुम बिना कपड़ों के फोटो शूट कराओ क्योंकि तुम बहुत सुंदर। वहाँ हम चेल्सी को किसी दूसरी लड़की के साथ किस करते हुए देखते हैं और हमें पता चल जाता है कि चेल्सी एक लेस्बियन है। उसी पार्टी में हमें एक और करेक्टर देखने को मिलता है जिसका नाम एलियट है। एलियट एशली को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है। डैलन एलियट के लिए लड़कियां अरेंज करती है, लेकिन एलियट को अब बस एशली चाहिए। रैफ एशली के साथ हैंकी पैंकी करने की कोशिश करता है, लेकिन एशली उसे मना करती है। पीछे से एलियट आकर उसे एशली को अकेले छोड़ने को कहता है और एशली अपने रूम में आ जाती है। एलियट भी उसके पीछे रूम में आ जाता है और उसे बातें करने लगता है। वो वही नॉवल देखता है जो एशली पढ़ रही थी। एलियट पूछता है कि क्या तुम्हें इसकी कहानी पसंद आई। दरअसल एलियट एक राइटर है और ये बुक उसी ने लिखी थी। ये जानकर एशली को काफी शॉक्ड होता है। एशली जब अपने रूम से बाहर जाती है तो एलियट उसके कबर्ड से उसकी ब्रा और पैंटी चोरी कर लेता है और एक दूसरी लड़की को पहनाता है और फिर उसके साथ इंटीमेट होता है। एलियट एशली को एक पार्सल में अपनी दूसरी नॉवल भेजता है और फोन करता है। वहाँ डैलन एलियट के साथ मजा करना चाहती है, लेकिन एलियट को अब उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एलियट फोन पर एशली को उस नॉवल का पेज नंबर 2 सुनाने को कहता है, जिसको सुनने पर एशली मास्टरबेटिंग करने लगती है। लेकिन एलियट उससे कहता है कि बिना मास्टरबेटिंग किए मुझे वो एक्सप्लेन करो। वो एशली को कुछ टास्क करने को कहता है, जैसे उसे बिना ब्रा पहने शॉप पर जाना है। वो ऐसा ही करती है और एक लड़का बार बार उससे कॉफी रिफिल कराने आता है। ये देखकर रेफ उसे उस लड़के को और कॉफी देने से मना करता है क्योंकि वो सारी कॉफी एक प्लांट पर गिरा रहा था और वो सिर्फ एशली के बूट्स देखने आता था क्योंकि एशली ने ब्रा नहीं पहनी थी। एशली उसी फोटोग्राफर के पास जाती है और वो उसको बिना कपड़ों के फोटोशूट करती है। एशली देखती है कि उसके फोन में एलियट की मिस कॉल पड़ी है। वो
कॉल बैक करती है। एलियट कहता है कि मेरी कॉल कभी इग्नोर मत करना, ये मुझे पसंद नहीं है और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। वो एशले को उसके बम्स पर अपनी फ्रेंड चेल्सी से 5 बार मारने को कहता है, लेकिन एशले उसे 10 बार मारती है और अपने बम की फोटो एलियट को भेजती है। वहाँ डायलन एलियट के घर आ जाती है। एलियट उसे वहाँ से जाने को कहता है लेकिन वो नहीं मानती। फिर वो उसे एक कमरे में बंद कर देता है। एलियट एशले को अपने घर बुलाता है और उसे अपना BCDM रूम दिखाता है और उसे क्लब से बांध कर उसके साथ सेक्स करता है। वहाँ एलियट के घर से डायलन को एक पेंटी मिलती है और एलियट डायलन को वहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि अब डायलन उसे बोरिंग लगने लगी थी। डायलन को पता चल जाता है कि एलियट अब एशले को डेट कर रहा है। एलियट एशले को एक सेल्फी कवर में लपेट कर उसे ड्रिंक पिलाता है। ये भी उसकी फैंटेसीज का एक हिस्सा होता है। उधर डायलन एलियट से बदला लेने के लिए अपना और उसका एक वीडियो एलियट को मेल कर देती है। एलियट डायलन से मिलने आता है और डायलन पूछती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एलियट कहता है, एशले सबसे अलग है, वो तुम जैसी लड़कियों की तरह नहीं है, वो बहुत मासूम और सुंदर है। डायलन एलियट को ब्लैकमेल करती है और कहती है वो एशले को यहाँ पर लेकर आए, नहीं तो वो ये वीडियो उसे भेज देगी। एलियट एशले को किसी और के साथ इंटीमेट होने की बात करता है। एशले पहले तो मना करती है लेकिन फिर वो वहाँ पहुँच जाती है जहाँ वो डायलन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। एलियट ये सब कैमरे में देख रहा होता है और एशले और डायलन अपना BCDM वाला गेम खेलने लगते हैं। एलियट एशले से उसके साथ ऐसा करने के लिए माफी मांगता है। नेक्स्ट डे डायलन अपना सामान पैक करके जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो एलियट को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एलियट कह रहा है कि वो उस नॉवल का राइटर नहीं है, वो बस ऐसा उन लड़कियों के साथ इंटीमेट होने के लिए कहता था। ये सुनकर एशले रोने लगती है। डायलन एलियट को वॉइस मैसेज करके बता देती है कि एशले को उसने सब कुछ बता दिया है। एलियट एशले से मिलने आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन एशले उसकी एक नहीं सुनती। वो उसे जाने को कहती है और रोने लगती है। डायलन वहाँ से चली जाती है और जैसी घर आकर देखती है कि वहाँ कोई नहीं है। वो शॉप पर जाती है और रेफ से एशले के बारे में पूछती है। रेफ कहता है कि उसने जॉब छोड़ दी है। जैसी कहती है ओह यानी कि यहाँ वैकेंसी है। लास्ट में हम देखते हैं कि वो फोटोग्राफर अपने पति को किस कर रही है। चेल्सी शॉप पर लोगों को जूठा करके ड्रिंक्स दे रही है और डायलन किसी आर्मी के घर पर आती है जिसे वो नॉर्मल कहकर बुलाती है।